बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जनरल साइंस ग्रेड सेवन्थ, पेज नंबर 29। टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है, द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी एंड पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। स्टिग्मा बच्चे बोलते हैं ये जो सुराही नुमा साख्त है जिसे हम कार्पल कहते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ से आते हैं, हमने पीछे पढ़ा था काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का पार्ट जो अमल है वो होता है। अब पोलन ग्रेन्स जो आए हैं, ठीक है, वो कहाँ से, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये मेल पार्ट से आते हैं, पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है, और उसके अंदर से स्पर्म्स निकलते हैं जो कि इसके ऊपर आते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो ये कार्पल का जो ये स्टिग्मा वाला पार्ट है वो फ्लावर के अंदर वो बहुत स्टिकी, स्टिकी का मतलब है चिपचिपा सा होता है। जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर आते हैं तो स्टिक मीन इसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, हेयर अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, इससे एक लंबी सी ट्यूब निकलती है। ठीक है, ये एक लंबी ट्यूब बनाते हैं और इसके अंदर दो स्पर्म्स होते हैं, वो मूव करते हैं, मूव करके वो बच्चे नीचे जो है इसका कार्पल का जो निचला हिस्सा है ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, स्टाइल के अंदर से मूव करते हुए उन्होंने खुद ही एक ट्यूब बनाई है, उस ट्यूब के अंदर से वो दोनों के दोनों स्पर्म्स मूव करते हुए जो कार्पल का ओवरी वाला पार्ट है ये वाले पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर होता है ओवरयूल, वो दोनों के दोनों स्पर्म्स जो उनसे हैं इस ओवरयूल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब फाइनली एंटर्स अ ओवरयूल, वो पोलन ट्यूब ओवरयूल के अंदर एंटर हो जाती है, रिलीज इट स्पर्म्स, वो स्पर्म्स को रिलीज करती है। वन ऑफ द स्पर्म्स कंबाइंड विद एग टू फॉर्म जाइगोट, एक स्पर्म एग के साथ कंबाइन होकर जाइगोट बना देता है और दूसरे स्पर्म का काम है उस जाइगोट के लिए खुराक बनाना, वो उसके लिए खुराक जमा कर लेता है। जैसे ही ये काम हो जाता है कि इस पोलन ट्यूब के अंदर से स्पर्म्स मूव करके एग के पास आ गए हैं और एग के साथ स्पर्म की कम्बिनेशन हो गई है और जाइगोट बन चुका है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चेंजेस क्या होती हैं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है बहुत सी चेंजेस होती हैं फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, इसके जो सीपल्स हैं, ग्रीन पत्तियां हैं, पीटल्स जो कलरफुल पत्तियां हैं, ये इसके स्टेमन्स हैं। ठीक है, एंथर और का ऊपर वाला पार्ट, वो स्टेमन्स इसके खुश्क हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं और जो एग फर्टिलाइज यहाँ पर हो चुका है वो उससे एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो ओवरयूल हैं वो बीच में बदल जाते हैं। ओवरी का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उससे पूरे का पूरा एक फल बनता है। जो फ्रूट है वो अंदर वाले, जो बाहर से फ्रूट बना है यहाँ से, वो अंदर वाले सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए या नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स बच्चे आपने करना है। इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक ये येलो हाईलाइट आप देख रहे हैं ये है डिफाइंड फर्टिलाइजेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक्स पे बनानी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। व्हाट चेंजेस अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हाट चेंजेस अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है। इसके अलावा आपने ये याद सारा करना है, पेज नंबर 29 आपने याद सारा करना है। शॉर्ट क्वेश्चन दो हैं जो नोटबुक पे लिखने हैं और डायग्राम आपने नोटबुक पे बनानी है।